आज उन सभी को दिल से धन्यवाद जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जान अपनी जान देकर बचाई है। आज उन सबको दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस महामारी में जब लोग घरों में बंद थे तब भी अपने फ़र्ज़ को निभाया है और अभी भी अपने फ़र्ज़ को निभा रही है। आज पूरा देश डॉक्टर्स डे मना रहा है। आज हम बताएंगे कि क्यों 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 को जन्मे डॉक्टर रॉय का निधन 1962 में 1 जुलाई को ही हुआ था। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी। डॉक्टरी पढ़ाने वाले बड़े प्रोफेसर होने के बावजूद भी नर्स का भी उन्होंने काम किया है और इसीलिए डॉक्टर राय को याद करने का शायद इससे बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता है। कोरोना के इस भीषण दौर ने साबित कर दिया है कि ज़्यादातर डॉक्टर सच में किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। न जाने कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लंबे समय से न परिवार से मिल पाए हैं और न शायद खुद से। इस महामारी के दौर में अगर आम लोगों को किसी पर भरोसा है तो वह है डॉक्टर, क्योंकि इस महामारी में हमारे सामने डॉक्टर्स की इतनी कहानियाँ आई हैं जिसमें कुछ अच्छे तो कुछ बुरे पहलू भी थे, तो कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी थे जो बताते हैं कि हम घरों में कितना सुरक्षित है और बाहर की हालत कैसी हो रखी है। कई ऐसी डॉक्टर महिला भी थी जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। कई डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपनों को बचाने से पहले दूसरे मरीजों को बचाया है। तो ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम अपनी सेहत के साथ दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखें और साथ ही महामारी के इस दौर में सभी के साथ मानवता का व्यवहार करें, ताकि आने वाले समय में आप भी डॉक्टर रॉय की तरह एक मिसाल बन सकें।